इंडियाज गॉट टैलेंट में होगा जश्न के साथ। विनर का ऐलान। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी कॉन्टेस्टेंट्स को। आज जो जीतेगा उसको मारुति सुजुकी की तरफ से हम एक नई वैगनार देंगे। हेलो दोस्तों, तो आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का विनर कौन होगा, विनर कौन होगा। तो आखिरकार विनर निकल ही चुका है और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा, बताऊंगा एग्जैक्ट कि विनर कौन है, फर्स्ट रनर अप कौन हुए हैं, सेकंड रनर अप या फिर विनर कौन है। तो जैसे कि आप लोग बहुत कोई बोल रहे थे कि इसिता विश्वकर्मा यहाँ पर विनर होगी, बट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, इसिता विश्वकर्मा विनर यहाँ पर नहीं बन पाई है। दोस्तों आप लोग का बहुत ही आशा था, बहुत मन था आप लोग का, लेकिन यहाँ पे विनर कोई और ही हुआ है। चलिए बता देते हैं आप लोगों को बिना कुछ देरी के विनर कौन हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, यहाँ पे ग्रैंड फिनाले बहुत ही अच्छा से मनाया गया दोस्तों। यहाँ पे सलमान अली जितने भी अभी सुपरस्टार सिंगर आने वाले हैं, आप लोग को पता ही है कि बहुत कोई मतलब गाना गाए, मतलब बहुत कुछ प्रोग्राम रखा गया था दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। मैं ऑल टोटल जितना भी यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ हूँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं विनर का नाम बता देता हूँ बिना कुछ देरी के। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट रनर अप का नाम बता देता हूँ। फर्स्ट रनर अप हुई है यहाँ पे दोस्तों इसिता विश्वकर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसिता विश्वकर्मा यहाँ पे फर्स्ट रनर अप हो चुकी है और जो कि यहाँ पे ट्रॉफी जीत चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितना लाख का चेक जीत चुकी है। उसके बाद चलिए विनर का नाम आप लोग को बता ही देते हैं। यहाँ पे हुआ है दोस्तों दिव्यांश, और यहाँ पे दिव्यांश और मनराज यहाँ पे जो है विनर हुआ है दोस्तों। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग को विनर परफॉर्मेंस देख के आप लोग को, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्योंकि गले से गाना निकालना बहुत ही बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं, इसलिए ये बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब ये किया गया है। और ये जो मतलब विनर दिया गया है बहुत ही अच्छा से यहाँ पे चुना गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को पता चला। थैंक यू, धन्यवाद।